हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे GTA San Andreas का फर्स्ट पर्सन मोड। गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि GTA 5 और Watch Dogs जैसी गेम में, Far Cry जैसी गेम्स में हमें फर्स्ट पर्सन कैमरा एक्सेस करने को मिलते हैं, जिससे हमें अच्छा एक्सपीरियंस आता है। या आसान लफ्जों में कह लो कि काउंटर स्ट्राइक और IGA वाला कैमरा, जिसके अंदर हमें सिर्फ हैंड्स और वेपन देखने को मिलते हैं। GTA 5 के अंदर हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हम वी प्रेस करके फर्स्ट पर्सन कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन GTA San Andreas के अंदर हमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिया जिससे हम फर्स्ट पर्सन कैमरा यूज कर सकें। तो आज हम लोग जो मोड इंस्टॉल करेंगे वो क्या करेगा, आपकी गेम के अंदर फर्स्ट पर्सन के मैकेनिक्स को ऐड कर देगा। लाइक आप अपनी GTA San Andreas के अंदर फर्स्ट पर्सन में भी गेम खेल सकते हो। तो गाइस इस मोड को अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को इस मोड को डाउनलोड कर लेना होगा। लिंक आपको नीचे साइड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना मोड्स को। यहाँ से आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है फर्स्ट पर्सन मोड को। यहाँ पर दोबारा स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का डाउनलोड शुरू हो जाएगा। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पर्सन मोड जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। और आपको इसके साथ जरूरत पड़ने वाली है सेंट्रल पैक की। अगर आप लोग बेसिक मोड की वीडियो देख चुके हो और आपने बेसिक मोड इंस्टॉल किए हैं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो इस पैक को। अगर अदरवाइज आप लोगों ने बेसिक मोड की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, आप लोग जरूर देख लेना। उसमें मैंने सारे बेसिक मोड के बारे में बताया है जिससे आपकी गेम का क्रैश फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेंसर पैक को भी इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, उसको भी सेव करूंगा मैं साथ ही। और फिर हम लोग इंस्टॉलेशन की तरफ चलेंगे। क्रिएट डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। यह डाउनलोड लिंक इज रेडी, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ स्टार्ट डाउनलोड का कहेगा, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट डाउनलोड कर देना है। तो आप लोग गाइस देख सकते हो मैं दोनों चीजें डाउनलोड हो चुकी है। अभी हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोनों चीजें जो है हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन मोड है और यहाँ पर ये हमारा एसेंशियल पैक का मोड है। ये दोनों मोड होने वाले, मैं इनको एक सेपरेट फोल्डर में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से देख सकें आप लोग। ये यहाँ पर मैं इन दोनों को इधर ड्रॉप कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एक हमारा एसेंशियल पैक है और दूसरा फर्स्ट पर्सन मोड है। इन दोनों को मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट शेयर कर लूंगा सेपरेट फोल्डर के अंदर ताकि दोनों का फोल्डर क्रिएट हो जाए। आप लोग देख सकते हो दोनों एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं दूसरी साइड पर GTA San Andreas का फोल्डर खोलूंगा अपना, जहाँ मैंने GTA San Andreas को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ मैं GTA San Andreas का फोल्डर खोल लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेंशियल पैक को इंस्टॉल करेंगे। साफ सी बात है, हर बार करते हैं। एसेंशियल पैक में सारी फाइल्स हमें सिलेक्ट ऑल करनी है रीडमी हटाकर, और सबको इधर GTA San Andreas के फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ही हमारा कॉपिंग होना शुरू हो जाएगा। जो रिप्लेस करने का कहेगा उसे रिप्लेस कर देना है। या आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इधर से इधर पेस्ट, आपका यहाँ पर कॉपी होना शुरू हो जाएगा। एसेंशियल पैक इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग चलते हैं अपने मोड की तरफ। बैक कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन मोड है, इसके अंदर हम लोग चले जाएंगे फर्स्ट पर्सन डैश वर्जन 3। इस फोल्डर में चले जाना है, ये दिखेगा हमें पेस्ट इनटू GTA San Andreas रूट फोल्डर। इस फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं आपको देखने को मिलेंगी, आप लोगों ने सारी फाइल्स जो है यहाँ से कर लेनी है कॉपी, और ये GTA San Andreas के फोल्डर में इसको कर देना है पेस्ट। बस यही प्रोसीजर आप लोगों ने करना है। डायरेक्ट आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो यहाँ पर। तो गाइस हमारी जो इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ और मैं आपको फर्स्ट पर्सन का गेम प्ले शो करता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं। मैं सिंपली यहाँ से स्टार्ट गेम करके यहाँ पर मैं गेम को लोड कर लेता हूँ अपनी सेव गेम को। यहाँ पर मेरी जो गेम है वो स्टार्ट हो रही है। फिर मैं आगे आपको फर्स्ट पर्सन मोड जो है शो करता हूँ। तो गाइस हमारी गेम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। मैं सबसे पहले यहाँ पर टाइम सेट कर देता हूँ अपने मेन्यू से। मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर वी प्रेस करना है जिससे हम लोग कैमरा चेंज करते हैं। मैं जो बटन है वो स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा, आप लोगों ने वी प्रेस करना है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर साइड में लोगो भी आ गया मोड का, फर्स्ट पर्सन मोड। अब यहाँ पर आप लोग बिल्कुल काउंटर स्ट्राइक और IGA जैसी गेम्स की तरह फर्स्ट पर्सन में वेपन यूज कर सकते हो।
आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर वेपन यूज कर रहा हूँ, और ये देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी फील आ रही है FPP में गेम खेलने में। GTA 5 की तरह लोग FPP भी एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर। ये आप लोग देख सकते हो हेडशॉट दिया मैंने इसको, स्नाइपर तो वैसे ही चलेगी, मिनी गन भी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग देख रहे हो किस तरीके से हम लोग FPP में गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ड्राइविंग कैमरा भी दिखाता हूँ इसका FPP मोड का। कार में बैठ के भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। फिर से हम लोग वी प्रेस करेंगे और ये आप लोग देख सकते हो हम लोग कार के अंदर, कार के इंटीरियर भी हमने देखो किस तरह GTA 5 कितना शो हो रहा है। देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है ये मोड गेम के अंदर, फुल GTA 5 वाली फील आ रही है। और कोई कार का हम लोग इंटीरियर चेक करते हैं, बाइक का चेक करते हैं यहाँ पर, उसको उतार गए। फिर से वी प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हो बाइक पे हमारा FPP कैमरा आ चुका है। कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कोई ज़्यादातर इस मोड में ग्लिच भी नहीं है, मुझे कोई ग्लिच देखने को नहीं मिला इस मोड के अंदर अभी तक। तो वैसे यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ ऐसी गेमिंग वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब यार लाजमी करो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अगली वीडियो मुझे किस मोड पर बनानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।